कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक सेब की पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। तभी उसके अलमारी में कुछ हलचल होती है। वो अलमारी चेक करता है और अंदर उसे एक सेब मिलता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो एक नोट की तस्वीर बनाता है और इस बार अलमारी चेक करने पर उसे एक नोट मिलता है। उसे कुछ कुछ समझ में आता है और वो एक पूरा नोटों के बंडल बनाता है। अलमारी में फिर से हलचल होती है और खोलने पर उसे एक नोटों के बंडल मिलता है। अब उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो एक लड़की की तस्वीर बनाने लगता है और तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो तस्वीर को अधूरी छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए जाता है और तभी उसके अलमारी से एक आवाज आती है और वो अलमारी से एक हाथ को बाहर आते हुए देखता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड में हम एक आदमी को बाथरूम में जाते हुए देखते हैं। बाथरूम में बैठे हुए उसे किसी की पैरों की आवाज सुनाई देता है। वो नीचे झुक के देखता है कि एक लड़की ठीक उसके पास के बाथरूम में घुसती है। ये देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। वो लड़का जल्दी से अपना फोन निकालता है और दूसरी साइड की वीडियो बनाने लगता है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। ये देख के वो चौंक जाता है और खुद फिर से चेक करता है जहाँ पे उसे उस लड़की की पैर दिखाई देता है। वो एक और बार अपना फोन डालता है पर फिर से बाथरूम खाली दिखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो खुद बाहर निकल के दूसरी तरफ देखने जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो फिर से अपने बाथरूम में घुस के दूसरी तरफ झांकता है जहाँ उसे स्पष्ट रूप से उस लड़की की पैर नजर आ रहे थे। वो फिर से बाहर निकल के चेक करता है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो फिर से अपने बाथरूम में जाता है और नीचे की तरफ झांकता है, पर इस बार उसे कोई नहीं दिखता। वो कुछ देर ऐसे ही बैठे रहता है और फिर ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर उसे कुछ ऐसा दिखता है। और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को दरवाजे पर खटखटाते हुए देखते हैं। घर से एक लेडी बाहर निकलती है। ये लड़की आई थी इस घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए और आज उसकी पहला दिन है। वो लड़की घर के अंदर आती है और वो लेडी उसे ऊपर के कमरे में ले जाती है। वो दोनों एक कमरे में घुसते हैं जहाँ पर तीन डॉल्स खड़े थे। वो लेडी कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं और तुम्हें इन्हें ही ट्यूशन देनी है। ये देखकर उस लड़की को बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचती है इस लेडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बहाना बना के वहाँ से निकल लेती है। वो अपने घर में जाकर अपने बालों को ठीक कर रही थी और तभी उसकी टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। उसे लग रही थी कि उसने ही गलती से टीवी ऑन करके चली गई थी। वो टीवी को ऑफ करके घर के काम करने जाती है पर तभी फिर से टीवी चालू हो जाता है। वो फिर से टीवी बंद कर देती है पर टीवी फिर से ऑन हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आती और वो ध्यान से टीवी की तरफ देख रही थी और तभी हम उसके पीछे उन तीन डॉल्स को खड़े देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़के को लिफ्ट के लिए बटन दबाते हुए देखते हैं, जिसके पास ही में एक आदमी अजीब ढंग से खड़ा था। लिफ्ट आने पर वो लड़का लिफ्ट में चढ़ता है पर वह आदमी नहीं चढ़ता। वो लड़का लिफ्ट का स्विच दबाता है और लिफ्ट का दरवाजा जब बंद होने वाला होता है तो वह आदमी लिफ्ट को रोक लेता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है। वो लड़का फिर से लिफ्ट चालू करता है पर फिर से वो आदमी लिफ्ट को रोक देता है। वो लड़का गुस्से में फिर से लिफ्ट चालू करता है पर फिर से वो आदमी लिफ्ट रोक लेता है। अब वो लड़का गुस्से में लिफ्ट से बाहर आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें पहले जाना है तो तुम जाओ। वो आदमी लिफ्ट में चढ़ जाता है और वो लड़का दूसरी लिफ्ट के लिए बटन दबाता है, पर जब उस दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो अंदर उसे वही आदमी दिखता है जो कि बहुत ही भयानक तरीके से स्माइल कर रहा था। और चौथी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फिफ्थ एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने कैमरे से एक सेब की फोटो निकाल रही थी। वो लड़की सेब खाते हुए अपनी निकाली हुई तस्वीर को देखती है, पर तस्वीर देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि तस्वीर में जो सेब है वो बिल्कुल उसके खाए हुए सेब की तरह दिख रही थी। वो अपनी सेब को फोटो के साथ मिलाती है जहाँ दोनों बिल्कुल सेम दिख रही थी। ये देखकर उसे थोड़ी सी अजीब लगता है और वो घर की दीवार पर लगी एक घड़ी की फोटो लेती है जहाँ पर 10:25 हो रहा था, पर जब फोटो आती है तो तस्वीर में 10:30 हो चुका था। अब उसे समझ में आता है कि यह कैमरा 5 मिनट आगे की भविष्य दिखा सकता है। अब वो लड़की एक वाज में लगी फूलों की तस्वीर लेती है, पर जब तस्वीर बाहर आती है तो उसमें पूरा वाज ही गायब था। ये देखकर लड़की सोचती है कि 5 मिनट में ये वाज कहाँ जा सकता है, तो वो थोड़ी सी दूर जाकर फिर से फोटो निकालती है और तभी घर की डोरबेल बजता है। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसकी नज़र फोटो में पड़ती है, पर फोटो देखने के बाद वो डर से वही रुक जाती है क्योंकि फोटो में उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसे मार रहा था। अब वो दरवाजा खोलती है या नहीं ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ मेरी वीडियो भी। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।